सो लेट्स डू द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स. सो स्टेम और रूट की तरह लीफ भी पीछे नहीं है, इसकी भी काफी सारी मॉडिफिकेशन है, जस्ट लाइक द टैंड्रिल, स्पाइन, फाइलोडे एंड द स्केली और द कैटरपिल्स. सो टैंड्रिल्स जो है हम पहले पढ़ चुके हैं स्टेम मॉडिफिकेशन के अंदर. सो इट इज अ स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, बट इफ द स्ट्रक्चर अराइज फ्रॉम द स्टेम देन इट इज स्टेम मॉडिफिकेशन, बट इफ इट अराइज फ्रॉम द लीफ लाइक इन पी सी द डायग्राम देन इट इज टेंड्रिल. क्लियर? नाउ व्हाट इज द स्पाइन? इन अर्लियर लेक्चर ड्यूरिंग द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम वी विल डिस्कस अबाउट देयर आर टू टाइप्स ऑफ, जो कांटे थे हमने दो पढ़े थे, वन दैट इज थॉर्न विच अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड स्पाइन इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ. बट यहां पर स्पाइन जो है, जो कांटा है लीफ का, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. एक सिंपल सा लिख देते हैं, सपोज दैट दिस इज द लीफ. अगर सिर्फ इसका एपेक्स भी चेंज हो जाता है इनटू स्पाइन लाइक इन यूका प्लांट, ठीक है, हो सकता है कि इसका जो ये इस तरह से मार्जिन है यहां पर इस तरह से कांटे बन जाए, ये भी स्पाइन है लाइक इन आरजी मोर. सी द डायग्राम. एंड हो सकता है कि इसका जो यहां पर स्टिप्यूल है ब्रैकेट में जो है वो एग्जांपल है, और लीफ का कौन सा पार्ट चेंज हो रहा है स्पाइन में वो आपको लिखा हुआ है. एपेक्स चेंज हो रहा है यूका प्लांट में, मार्जिन चेंज हो रहा है आरजी मोर में, स्टिप्यूल चेंज हो रहा है आपके पास जीजी पस में. ठीक है, सो ये है हमारे पास एग्जाम्पल. नेक्स्ट है हमारे पास फाइलोडे. अब फाइलोडे में क्या होता है, जो सॉरी एक हमारे पास मेन रहेगा, जो आप एनसीईआरटी के अंदर देखो आपके पास अपुंशिया, ठीक है. सो अपुंशिया में जो आपके पास लीफ जो है वो स्पाइन में चेंज हो रही है. नेक्स्ट है हमारे पास फाइलोडे. फाइलोडे का एग्जाम्पल है हमारे पास ऑस्ट्रेलियन एकेसिया. इन दिस केस जो लीफ का पेटियोल है ये थोड़ा सा फ्लैटेंड हो जाएगा और ग्रीन हो जाएगा. सो इस केस में पेटियोल जो है वो कैसा हो जाएगा आपका, फ्लैटेंड एंड ग्रीन एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्यों भाई, लीफ कहां चली गई? लीफ सीडलिंग के टाइम पे थी बट बाद में शेड ऑफ हो जाती है, ठीक है, टू चेक द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन अगेन. इन दैट केस वो स्पाइन में चेंज नहीं होके उसका जो पेटियोल है वो काम करने के लिए कुछ इस तरह से, सपोज दैट कि ये इस तरह से लीफ थी और ये शेड ऑफ हो गया, अब ये वाला जो फंक्शन है ये परफॉर्म करने लगेगा फोटोसिंथेसिस का. सो फोटोसिंथेसिस जरूरी है उसके खाना बनाने के लिए, बट रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा है इसीलिए वो उसको कम कर देगा. स्केली लीव्स या कैटरपिल्स जो हमारे पास हैं वो हमको मिलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम में लाइक इन ट्यूबर और इन राइजोम. सो उनके जो नोड्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए लाइक सी इन द डायग्राम. तो ये ड्राई और ब्राउन जो आपके पास स्केली लीव्स रहती हैं, दे प्रोटेक्ट द नोड्स ऑफ राइजोम एंड ट्यूबर, जो भी अंडरग्राउंड स्टेम मिलेंगे हमको उनका. और जो आपके पास स्केली लीव्स हैं लाइक अनियन एंड गार्लिक, तो वहां पर ये क्या करेंगे, स्टोरेज का काम करते हैं. So these are the modification of leaves. So firstly, we know about that ki leaf jo hai wo photosynthesis perform karta hai. There are two types of leaves. One that is a simple and second is compound. So simple, agar lamina entire ho, incise agar ho bhi jaye incise, agar cut hai bhi, to wo midrib tak nahi pahunchna chahiye. Aur agar midrib tak pahunch gaya, that means ki wo compound leaf hai. अब कंपाउंड लीफ दो टाइप से होगी. अगर वो पूरी एक्सिस पे है
देन इट इज पिनेटली, और अगर एक पॉइंट पे है देन पामनेटली. क्लियर? नाउ द लीफलेट अरेंजमेंट जो है उसको हम बोलते हैं फाइलोटैक्सी. सो फाइलोटैक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ द लीफलेट्स ऑन द एक्सिस. ठीक है, एंड जो हमारे पास फाइलोटैक्सी है वो हम तीन टाइप से पढ़ते हैं. वन दैट इज द अपोजिट पिनेटली, अल्टरनेट और फोरल. सो अगर लीफलेट एक दूसरे के अपोजिट पे है एक्सिस पे, देन अपोजिट फाइलोटैक्सी है. अगर अल्टरनेट है, एक के बाद एक बार एक साइड पे, दूसरी बार दूसरी साइड पे, देन इट इज अल्टरनेट. और अगर टू लीव्स मोर देन है आपके पास, एक ही लीफ से अरेंज हो रही है, देन इट इज वोरल. एग्जाम्पल हम देख चुके हैं. देन द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, लीफ मे बी फॉर द क्लाइंबिंग फंक्शन आज एज अ टेंड्रिल टू चेक द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, वो कांटे में चेंज हो जाती है इन स्पाइन. और अगर टू चेक द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन वो फोटोसिंथेसिस के लिए पेटियोल फोटोसिंथेसिस करने लगता है और कांटे में चेंज नहीं होती है, दैट इट इज फाइलोडे. और अगर उसको प्रोटेक्शन करना है अंडरग्राउंड स्टेम पे हम देखते हैं, दैट इट इज कैलियोकैटाफिल्स. तो दिस इज सिंपली ऑल अबाउट द लीव्स.